RR310 यहाँ पे देख रहे हो RR310। तो ब्लॉग शूट करते करते भाई बहुत रात हो गया आज। तो भाई मैंने जो है सामने जो येलो लाइट आप लोग देख रहे हो ना, ये जो है मैंने फॉग लाइट लगाया है। इसको अभी डिपर में रखा है तो डिपर में जो है येलो लाइट जलता है, ठीक है। और इसको अपर में डालेंगे तो थोड़ा दूर जाएगा और व्हाइट व्हाइट लाइट हो जाएगा पूरा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, मैं भी आप लोग की दुआ से खैरियत से हूँ। तो गाइस आज मेरे साथ में एक नया बंदा, नया तो नहीं है पुराना बंदा है, जो पहले हम लोग वीडियो बनाते थे वो आज हमारे साथ में ऐड हो गया है। R15 भीतरी को चेंज करके दूसरा बाइक लेके आया भाई, TVS Apache RR310 वो रेड कलर का। तो वो तो भाई साहब थोड़ा आगे है क्योंकि भाई उसका 310cc का बाइक है, तो जाहिर सी बात है वो आगे ही होगा। तो आगे थोड़ा गए हैं तो मैं अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, ठीक है, कि उनका बाइक कैसा है क्या है। जब भी आप लोग देख रहे हैं मेरा बाइक जो है यहाँ पे भीग रहा है और बारिश की वजह से हम लोग यहाँ पे रुके हैं, तो शायद 2-4 मिनट 5 मिनट यहाँ पे रुकना पड़ेगा। बारिश छूट गया तो फिर यहाँ से निकल देंगे, ठीक है। इनका भाई देखो यार, RR310 बात कर रहा था ना यार, काफ़ी सेक्सी लुक लग रहा है यार, रेड कलर में देखो एकदम रेड चेरी, काफ़ी बड़ा इंजन है यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। वाओ, मोस्ट पावरफुल मशीन, काफ़ी पावरफुल है यार। इसका सीट हाइट भी देखो, ये पिलियन के लिए उतना अच्छा नहीं है लेकिन राइडर के लिए काफ़ी अच्छा है। RR310 यहाँ पे देख रहे हो, RR310। और इसका मीटर देखो, मीटर जो है मोबाइल की तरह दिखता है, काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि मैं बात कर रहा था कि मेरे चैनल में R15M जो मेरा बाइक है इसके ओनरशिप रिव्यू, मतलब मेरा जो है रिव्यू क्या क्या अच्छाइयाँ है क्या बुराइयाँ है, इसके ऊपर मैं जो है एक भी वीडियो नहीं डाला है। तो इसके ऊपर एक वीडियो होना चाहिए, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ लेकिन भाई बना नहीं पा रहा हूँ। तो अगर आज बनाने का प्लान था, ठीक है, लेकिन जो है हम लोग नहीं बना पाया क्योंकि भाई बारिश की वजह से शायद आज नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है वीडियो में भाई, आज तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगने वाला है क्योंकि भाई धूप निकला ही नहीं है भाई आज दोपहर के बाद। सुबह से तो भाई धूप था, ठीक है, लेकिन बारिश जब से शुरू हुआ है ना धूप गायब ही हो गया भाई। और हम लोग धूप की वजह, मतलब धूप के लिए वेट कर रहे थे भाई कि अभी धूप होगा तो निकलेंगे, तभी धूप होगा तो निकलेंगे। अभी भाई 4 भी नहीं बजा है यार, अभी भी धूप का टाइम है लेकिन भाई धूप कहाँ हो गया है, और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। तो भाई और थोड़ा सा छाव हो रहा है तो भाई वीडियो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिख सकता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और भाई दोस्त लोगों के साथ में मिलने जा रहा हूँ, वो लोग के साथ में रिव्यू वीडियो होने वाला था यार आज, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया बारिश के कारण। और देखो यार बारिश हो रहा है तो डर भी लगा रहा है, मतलब डर भी लग रहा है कि भाई बारिश अगर ज़्यादा हो गया तो किधर रुकेंगे हम लोग, कैमरा वैमरा जो है पूरा भीग जाएगा। तो थोड़ा धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई ये देखो यार, बोलते बोलते ज़्यादा हो गया क्या बारिश, रुकना है क्या इधर? ये देखो यार बारिश शुरू हो गया, शायद कैमरे में अगर लेंस में पानी ना गया हो तो शायद आप लोग देख रहे होंगे। हम लोग जो है बाइक को टर्निंग लेके भाई उधर जा रहे हैं ताकि बारिश से बच सके, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, और कितना ठंडी लग रहा है यार, और बारिश हुआ तो पूरा ठंडा ठंडा फील हो रहा है, ठीक है, थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा है, अभी क्या करें। और राइडिंग जैकेट तो भाई बहुत जल्दी लेना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग टूर पर जाना है और ठंडी भी आने वाला है। और मुझे तो भाई गर्मी थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है लेकिन भाई ठंडी थोड़ा मुझे बर्दाश्त नहीं होता है यार, काफ़ी ठंडा लग रहा है यार, रात को घर जाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा शायद। और हर दिन भाई ब्लॉगिंग शूट करने के लिए आता हूँ, एक प्लान बना के आता हूँ दूसरा प्लान बन जाता है यार, पता नहीं बारिश के टाइम पर भी ऐसा हो रहा है। तो हम लोग यार आए थे राइड पर तो बहुत लेट हो गया, रात हो गया, तो हम लोग जो है अभी जा रहे हैं घर के तरफ। तो ब्लॉग शूट करते करते भाई बहुत रात हो गया आज, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो हम ब्लॉग बनाते बनाते इतना लेट हो गया है, ठीक है। तो भाई मैंने जो है सामने जो येलो लाइट आप लोग देख रहे हो ना, ये जो है मैंने फॉग लाइट लगाया है क्योंकि रात में जब बाइक राइड करता हूँ ना, या यामाहा R15 है मेरे पास, तो भाई इनविजिबिलिटी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मेरे को, इसकी वजह से जो है मैंने फॉग लाइट लगाया है। और इसको अभी डिपर में रखा है तो डिपर में जो है येलो लाइट जलता है, ठीक है। और इसको अपर में डालेंगे तो थोड़ा दूर जाएगा और वाइट वाइट लाइट हो जाएगा पूरा। और फॉग लाइट लगाने का कारण यही है भाई कि रात को थोड़ा सा विजिबिलिटी थोड़ा अच्छा होना चाहिए अगर बाइक राइड कर रहे हैं तो। हम लोग बड़े बड़े यूट्यूबर तो भाई बहुत कीमती कीमती फॉग लाइट लगाया है, मैं देखा है एक भाई साहब जो है एक S1000 RR में देखा मैं तो 1,40,000 का खाली फॉग लाइट लगाया भाई,
और दूसरा एक लगा है वो 80,000 का, मतलब 2,20,000 का भाई, मतलब हमारा गाड़ी का जितना कीमत है भाई उतना तो फॉग लाइट लगा लिए हैं। वो बड़ा यूट्यूबर है भाई, अर्निंग भी बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग लगाना उनके लिए पॉसिबल है, ठीक है। और हम लोग अभी धीरे धीरे भाई ग्रो कर रहे हैं, तो हमारे साथ भी धीरे धीरे ग्रो होगा, और हर कोई चीज़ भी है जो धीरे धीरे हम लोग भी चैनल पर लाते रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।